जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? नहीं, मतलब आप लोग सब अभी तक ग्रेजुएट कोर्स में हैं या नहीं? तो स्कूल में कितने हैं, कॉलेजेस में? वेरी गुड। और आप सब में से कॉलेज के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, एजुकेशन के बाद, आप लोग कितने लोग हैं जो शायद मीडिया, फिल्म, एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहेंगे? वेरी गुड। 30 साल पहले मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, फिल्म का नाम था पत्थर के फूल, सलमान खान थे, वेरी यंग, बहुत नया था। उसकी मैंने क्या किया, कि रिलीज भी नहीं थी, एक नई लड़की थी वरिका का पिक्चर मैं प्रोड्यूस कर रहा था। हम लोग बॉम्बे में शूटिंग कर रहे थे, संडे के दिन रस्ते पे, सिर्फ संडे के दिन ही शूटिंग की परमिशन मिलती है। उस पिक्चर में मेरे 4 असिस्टेंट थे, एक का नाम था आशुतोष गोवारिकर, आपने नाम सुना होगा, एक का नाम था संजय गुप्ता, आपने उसका भी नाम सुना होगा, इस साल में उनकी पिक्चर काफी रिलीज हुई। एक थे संजय गांधी जिन्होंने धूम 1 और धूम 2 बनाए, एक का नाम था विनय जैन, वो टीवी पे बहुत बड़े एक्टर हैं आज के दिन में। और चार में मुझे गए थे, बोला विवेक जी आपकी खानदान सीरीज टीवी पे चल रही है तो बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, आप प्लीज कहीं कोने में जाकर बैठ जाइए, चुप जाइए, वरना ये शूटिंग तो बंद होने वाली है। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कोने में जाकर बैठ गया, एक चाय का ठेला था, अंडा पाव बेच रहा था, चाय बेच रहा था। मैंने कहा यार बिल्कुल, मैंने कहा भैया अंडा पाव खिलाओ, क्या है सर्दी का दिन है, शूटिंग तो चल रही है, काम संभाल रहे हैं। और वहां पे एक लड़का बैठा था और चाय वाले ने मुझे बोला साहब वो 30 साल वहां बैठे हैं, उनको सिगरेट की जरूरत है। मैंने कहा ओके, तो मैंने एक सिगरेट उनको दे दिया, थैंक यू बोला, उनसे ऐसे फिर दूसरा सिगरेट किया, फिर तीसरा सिगरेट किया, फिर चौथा सिगरेट खुद आके बोला, उनका नाम था शाहरुख खान। अच्छा मैं भी 30 साल था, तो हम दोनों बैठे थे, चाय वाला थोड़ा गुस्सा गया, तो वो ऐसे 30 साल में बात करके चाय पी रहे, अंडा खा रहे। शूटिंग खत्म हुई, मैंने बाय बाय बोला, उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सभी सिनेमा, पास में ही है मतलब टाउन में, और नया वाला एक सिस्टम वहाँ बनाया है टॉय भी, मैं वहाँ जाके देखा, मैं भी आऊँगा। मैंने कहा आया मेरे साथ, हाउसफुल था, ब्लैक में टिकट खरीदा, अंदर गए तो शाहरुख साहब को पॉपकॉर्न भी चाहिए था, मैंने खिलाया। पिक्चर खत्म हुई रात को 12 बजे, मेरे वैसे सारे खत्म हो गए, अंडा भी खिला रहा था, पाव भी खिला रहा था, सिगरेट भी खरीद रहा था, टिकट भी खरीद रहा था, पॉपकॉर्न भी खरीद रहा था, तो उससे कहा मुझे 100 रुपये दो, मुझे वापस भाग रहा है। मैंने कहा भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है, काम करो गाड़ी में बैठ जाओ, छोड़ ही दूंगा क्या है, रात का वक्त है, इतना टाइम लगेगा नहीं। एज लक वुड हैव इट, उस दिन पेट्रोल भी खत्म हो गया। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, घर आ जाओ, मेरी मम्मी काफ़ी लेट सोती हैं, उनसे जाकर पैसे ले लेते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप चले गए। उस दिन मम्मी जल्दी सो गई, मैंने कहा चलो ठीक है तुम सो जाओ, कल सुबह उठ के मम्मी से पैसे लेके चले जाओ, नाश्ता वास्ता था। 2 साल रह गया, ही स्टेड फॉर 2 ईयर्स। पहले 6 महीने तो उसको फिल्म करनी नहीं, ही डिडंट वांट टू डू फिल्म्स। After that, his mother died, गौरी के साथ शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो फाइनली एक रात को उसने मुझे सुबह 5 बजे बोला, इसे फिल्म करनी है तुम लॉन्च करोगे? मैं कहाँ लॉन्च करोगे, सो जाओ, इसे लॉन्च करोगे तो अभी उठो और अभी लिखना शुरू करें। और हम लोगों ने दोनों ने राजू पर या जेंट पर लिखना शुरू कर दिया। बट आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैं फिल्म पिक्चर बना चुका था, मैंने कहा यार पिक्चर तो अच्छी लिखेंगे, कहीं ना कहीं जब पैसे आ जाएंगे पिक्चर बन भी जाएगी, शायद कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, आप 30 साल पिक्चर रिलीज भी हो जाएगी, उसके बाद क्या? एंड दिस इज व्हाट आई आस्क न्यू कमर्स, सब मुंबई आते हैं, सब काम ढूंढ रहे हैं, कोई कामयाबी नहीं ढूंढ रहा है, सब पिक्चर ढूंढ रहे हैं कि मुझे ब्रेक मिल जाएगा, एक पिक्चर मिलेगी, कोई करियर नहीं ढूंढ रहा।
तो मैंने कहा भैया शाहरुख देखो एक बात है, हम दोनों एक पैक करके पिक्चर लिखे, जो डायरेक्टर तुम चाहते हो वो करेंगे, मैं जीपीसीसी से कुछ बोलूंगा, फाइनेंस करो, पिक्चर बनाए, लेकिन तुम पहले चार पिक्चर साइन करो और वो चार पिक्चर जब बिक जाएंगी तो मुझे तसल्ली होगी कि ये जो पिक्चर आपकी पार्टी बनेगी राजू बन गया जेंटलमैन वो तो गारंटी से बिक जाएगी, क्योंकि पहली चार पिक्चर तो बिकी हुई है। अब तुम तो अच्छे एक्टर बनोगे या बुरे एक्टर बनोगे तो मुझे नहीं पता है, बड़े स्टार बनोगे या छोटे स्टार बनोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन सेलेबल तो बन जाओ। जिस दिन तुम्हारी पिक्चरें बिकने लगी, चाहे वो हिट हो चाहे वो फ्लॉप हो, तुम सेलेबल होगे।